चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको 5 ही एग्जांपल कराए थे संतुलन के और संतुलन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाए थे। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये 10 प्रश्न अगर आप संतुलित कर लेते हैं इन समीकरणों को, तो आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, आपको पता है LHS बराबर RHS करना होता है, यानी कि हमें अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर करनी होती है। ठीक है, तो देखिए करते हैं कैसे। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है Fe+H2O Fe3O4+H2। तो देखिए इसे संतुलित करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ना मुझे अभिकारक लिखने की जरूरत है, ना मुझे उत्पाद लिखने की जरूरत है। बस आपका जो माइंड है वो अपने किस इक्वेशन पर होना चाहिए। देखिए किस तरीके से, अगर यहाँ पर मैंने Fe लिखा है तो हम इधर ही जाएंगे और Fe देखें कहाँ है, इसमें Fe है। Fe के कितने परमाणु है, यहाँ पर 3 परमाणु है, यहाँ पर कितना है 1, तो कितने कर देंगे 3, तो कुछ नहीं करना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल इसके सामने 3 से कर दिया, Fe को खत्म हुआ, Fe को हमने गोली मार दी। ठीक है, खत्म हो गया ये, अब इसे नहीं देखना, अब आ गया हो, अब देखने हैं। देखिए H के, और H के यहां मैं देखूं 2 है और यहां मैं देखूं तो 2 ही है, H की कंप्लीट है ऑलरेडी, हमें कुछ नहीं करना है। ओके, देखिए ओके यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो मुझे कितने करने पड़ेंगे, यहाँ पर 4 करने पड़ेंगे, तो मैं 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए O तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जैसा O कंप्लीट करा हमने, H के कितने हो गए, 4 × 8 हो गए, तो इधर भी 8 होने चाहिए, तो इधर देखिए 2 है, हम 4 लिख देंगे, तो 2 × 8 ही होता है, हमारे H भी कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को संतुलित करते हैं। पहली इक्वेशन संतुलित हुई, आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं दूसरी। दूसरी लिखी है मैंने Pb(NO3)2PbO+NO2+O2। तो इसे देखिए, सबसे पहले Pb को करेंगे तो Pb एक है, एक है, संतुलित है। देखिए N को करेंगे, N एक है, संतुलित है, N को नहीं करना। अब देखिए ओके 3 × 6 है, ओके इस टाइम इधर कितने हैं, 2 × 2 = 4 = 5। अब देखिए 5 को 6 नहीं बनाया जा सकता, 3 × 6 अगर, हाँ बिल्कुल, देखिए इसको एक वाले को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 1 में 2 से गुणा करूं, आगा कितना 2, तो 2 × 2 × 2 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखिए मैं यहां कर देता हूं 2 से गुणा, तो कितने हो गए, 6 हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके भी, लेकिन जैसे आपने ओ कंप्लीट करा Pb के 2 आ गए, अब यहां तो 1 ही था, तो इसका मतलब हमें 2 यहां बढ़ाना पड़ेगा। अब Pb भी हो गया, अब जैसे देखो Pb हो गया और फिर Nk भी तो हो गए ना, Nk कितने हो गए 2, तो इधर भी 2 होनी चाहिए, तो 2 यहां लगा दो, Nb खत्म। अब O के देख लो, क्योंकि O में कर रही कितने, 3 × 6 = 12, 12 हो रहे हैं ओके, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 12 ही ओके होने चाहिए ना, तो 2 तो ये रहे, 2 × 4 ये रहे 6, और ये 2 अगर मैं यहां लिख दूं तो 3 × 6 ये, और 2 × 4 = 4 ये, 6 × 4 = 10, और 2 × 12 ओके भी कंप्लीट हो गए। तो देखिए कुछ करा है मैंने, कुछ नहीं करा, बस थोड़ा सा माइंड का को रिलैक्स करना है और बिल्कुल शांति से देखना है कि किस तरीके से कौन सा, और जैसे जिधर लगाओगे वहां के सारे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये 2 लगा तो पीबी भी गई, इनका भी है ये, ओ का भी है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरे में हमने लिखा है MnO2+SClAeroMnCl2+H2O+Cl। तो देखिए इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको करना है किसको, M को, तो M देखिए 1 है और यहाँ भी 1 है, तो M को नहीं छूना है। ओके, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो M के 2 करने के लिए आपको पता है 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए O के हो गए 2, अब चलिए किसके करेंगे, अब करेंगे देखिए अगर H के करता हूं मैं तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर H के 2 × 4 है, तो आपको पता है 4 करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा 1 को, तभी तो बनेगा 4। तो देखिए H के कंप्लीट, अब Cl के देखिए 2 × 2 कितने हो गए कंप्लीट 4, तो देखिए ये भी इधर ही 4 है, तो ये भी कंप्लीट हुई। चलिए अब करते हैं ये वाला अगला नंबर 4। तो देखिए HNO3+CaOH2+CaNO3+H2O। तो देखिए ध्यान से करेंगे, H के कितने हैं यहाँ पर, तो देखिए 1 तो ये है और 2 ये है, 3 है, और इधर देखिए H2 है, 2 है। तो देखिए चलिए
ऐसे अगर देखो कोई सी चीज ऐसी है कि वो संतुलित अच्छे से नहीं हो रही है ऐसा, तो उसे छोड़कर पहले किसी और को करेंगे, तब उसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एन के कितना है, एक है, यहाँ पर देखिए दो है, तो सबसे पहले एन को कंप्लीट कर दो, एन कंप्लीट हुआ दो, ठीक है। जैसे आपने एन कंप्लीट करा तो एच के अब करेंगे एच, ठीक है, दो इधर है और दो ये चार, अब कितने हैं दो, अगर मैं यहाँ दो बढ़ा दूं तो एच भी कंप्लीट हो गया, दो दूनी चार, चलिए एन भी कंप्लीट एच भी कंप्लीट। अब देखिए सी ए, सी ए सिंगल है, सी ए सिंगल है, अब किसके देखना है ओके, देखो तीन दूनी छह तो ये रे, तीन दूनी छह और दो ये रे, छह दो आठ, तो इधर भी कितना होना चाहिए आठ, तीन दूनी छह और दो आठ, कंप्लीट है। चलिए अब देखते हैं पांचवा, बी ए सी एल टू प्लस एच टू ओ बी एस ओ फोर प्लस एस सी एल। तो देखिए बी ए सिंगल है पूरा, सी एल टू, सी एल टू के देखिए यहाँ दो है इधर एक है, तो दो बढ़ा दो, हो गया सी एल टू कम्प्लीट। अब देखिए सी एल टू के दो है, सी एल के दो है, मतलब सी एल के दो इधर भी उधर भी, देखिए एच टू दो है एच के दो है इधर, देखिए एच के एस ओ फोर कम्प्लीट है, ये भी कम्प्लीट हो। चलिए अब देखिए अगला एग्जाम्पल छठा, एन ए ओ एच प्लस एच टू एस ओ फोर एन ए टू प्लस एच टू ओ। देखिए एन ए के कितने हैं, एक, यहाँ पर दो, दो करने के लिए दो से गुणा करना पड़ेगा, तो हो गए दो एन ए के। चलिए अब किसका करेंगे, देखो एस ओ फोर तो पूरा जुड़ा पड़ा है, एस ओ फोर को देखने की जरूरत नहीं है, और ओ देखने वाला, ओ के कितने हैं दो, इधर दो होने चाहिए, तो ये वाले दो कर लिए पूरे। एच के कितने हैं, देखिए दो एरे और दो एरे चार, दो दूनी चार, ये भी कंप्लीट हुई। चलिए ये वाला सातवा देखेंगे एग्जाम्पल, सी ओ टू प्लस एच टू ओ एरो सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स प्लस ओ टू प्लस एच टू ओ। तो देखिए इसे कंप्लीट करेंगे तो सी के कितने हैं, इधर एक है इधर छह है, तो इधर छह लगाना पड़ेगा, अब कंप्लीट हुआ सी, छह इधर छह इधर। अब देखिए एच की कंप्लीट कीजिए, इधर कितने हैं, चलिए पहले ओ को करते हैं ना, चलिए ओ के दो छंग बारह 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 और फिलहाल एक ये तेरह और फिलहाल ये देखिए छह और दो आठ और एक नौ हो रहे हैं। अब देखिए इनका कम्युनिकेशन कैसे मिलाएंगे, तो इनका कम्युनिकेशन आपको बहुत अगर इसको इक्वेशन को करें तो अभिकारक उत्पाद से ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा लिख के, लेकिन इसमें हमें माइंड का थोड़ा ज्यादा प्रयोग करना है, सोचना ज्यादा है। तो देखिए ओ को छोड़ो एच को करते हैं, जो आसान पड़ेगा वो करेंगे। एच के कितने यहाँ पर दो है फिलहाल, और इधर बारह ये और दो ये चौदह, बारह और दो चौदह, अगर इधर मुझे इस बारह देखिए अगर मैं यहाँ पर दो लगा दूं एच के तो कितना हो गया, देखिए बारह और चार सोलह और आठ यहाँ लगा दूं तो एच के देखो आठ दूनी सोलह, सोलह हो गए और बारह ये दो दूनी चार ये सोलह हो गए। अब ओ के कंप्लीट कीजिए, छह दूनी बारह, बारह और आठ, बारह और आठ कितने हो गए बारह आठ बीस, बीस ओके हो गए, इधर बीस ओके होनी चाहिए, तो छह ये रे दो ये रे छह दो आठ आठ और छह, छह दूनी बारह बारह छह दूनी बारह आठ ये कितने हो गए पूरे बीस, तो बीस ओके भी हो गए एच के भी हो गए। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगी, थोड़ा सा बस सोचना है कि अब करने को यहाँ पर सात करके चौदह कर सकते थे, लेकिन फिर ओके कंप्लीट नहीं होती क्योंकि विषम संख्या में हुआ था, क्या बात था विषम संख्या में, फिर विषम संख्या में उसे ओ का नहीं बैठता, इसलिए मैंने सोलह कर दिया सोलह इधर कर दिया। चलिए अब अगली करेंगे आठवां, सी यू टू एस प्लस ओ टू। तो देखिये सी यू टू ओ प्लस ओ टू, सी यू टू ओ बना प्लस एस ओ टू बना। अब देखिये सी यू के, सी यू के दो है कम्प्लीट है, एस का एक है कम्प्लीट है, ओ के देखिए दो है इधर दो ये एक तीन ये, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इधर भी कितने करने पड़ेंगे बोलिए, इधर करने इधर तीन है इधर दो है, तो या आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए चार, दो से इधर करेंगे तो ये भी हो गए चार, ओके दो ये तो जैसे ओके तो कंप्लीट कर दी तुमने चार, लेकिन सी यू के बढ़ गए दो दूनी चार हो गए दो यहां लगा देंगे, देख सी यू भी पूरा हुआ दो दूनी चार, लेकिन फिर एस के बढ़ गए तो एस के दो लगा देंगे एस के भी खत्म। अब देखिए इधर ओ के कितने दो दूनी चार ठीक है, इधर कितने हैं दो दूनी चार और दो छह, तो छह ओ के करने पड़ेंगे, इसका मतलब यहाँ तीन लगेगा, ओके हो गए कंप्लीट तीन दूनी छह। चलिए अब देखते हैं नवा एग्जांपल, सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स प्लस ओ टू एरो सी ओ टू प्लस एच टू ओ। देखिए सी सिक्स छह है सी के, यहाँ एक है छह करो
हो गए सी के पूरे। चलिए एच के कितने यहाँ 12 है, तो इधर भी आपको 12 करना पड़ेगा, तो 6 कर दो, 6 दूनी 12। चलिए ओ के कितने हैं, ओ के 6 ये और 2 ये 8 है, और इधर कितने हो रहे 6 दूनी 12 और 6 18 हो रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 18, तो इधर भी 18 करने पड़ेंगे, तो 6 तो ये रहे और 6 दूनी 12 रहे, 12 6 18 हो गया दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर, तो संतुलित हुई। लास्ट एग्जाम्पल 10वां एग्जाम्पल देखिए, इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो KCl O3 एरो KCl प्लस O2, तो देखिए K एक है, एक है Cl, एक है, एक है O के, तीन है यहाँ, दो है, तो देखिए ऐसे नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पर दो भी बढ़ाता हूँ तो 3 दुनी 6 हुआ, तो इधर भी 6 कर लेंगे, 3 दुनी 6 हुआ, लेकिन जैसा तुमने ये दो बढ़ाया K का भी बढ़ गया C का भी बढ़ गया, तो दो यहाँ लगा देंगे, दो KCl हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो KCl पूरा है और 3 दुनी 6 3 दुनी 6 ओके पूरे है, तो इस तरीके से हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। मेन चीज है देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मकसद क्या है कि आपको संतुलित करना आना चाहिए। अगर आपको संतुलित करना आता है तो आप किसी भी इक्वेशन को संतुलित कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बोर्ड में वो इसमें से दे या ना दे, है ना, यो मैं नहीं कह सकता हूं कि इसमें से ही आएगा, लेकिन इतना जरूर है अगर आपने सीख लिया कि संतुलित किया कैसे जाएगा तो वो जरूर कर देंगे आप, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल दियो कुछ भी दियो आप कर देंगे आसानी से, तो आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करनी आनी चाहिए, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। देखो या तो सीधा सीधा मैंने बताया है कि यहां लिखेंगे तत्व अभिकारक उत्पाद, यहां तत्व का नाम लिख देंगे, जैसे ऊपर वाली है कि एफ ई है इसमें, ओ है इसमें, एच है इसमें, अभिकारक में कितने परमाणु है इसके, एफ के एक है, एक था, और एच में कितने थे, दो थे, ओ के कितने थे, ओ का एक था, एच के दो थे, अब उत्पाद में कितने थे, एफ ई 3 था, ओ 4 था, एफ ई के कितने थे 3 और ओ के कितने थे 4, एच के कितने थे 2, तो इस तरीके से लिख के अब देखिए एफ ई में कितने हैं, 3 से गुणा कर देंगे एफ ई में, 3 से कर दी एफ ई कंप्लीट हुआ, अब एच में देखिए ओ में 4 है, इधर 4 से करेंगे, अभिकारक में, अभिकारक में 4 से करा हो गया, जैसा अभिकारक में करा तुमने एच के अभिकारक में कितने बढ़ गए 4 से, इसमें भी तो हो गया 4 दुनी 8, अब इधर भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, किससे गुणा, 4 से गुणा करेंगे 8 बन जाएगा, देखिए 4 से कर देंगे, तो चाहे तो आप अभिकारक का प्रयोग इनका कर सकते हैं, यह है तरीका, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि पहला जो प्रकार आता है हमारा आता है योगात्मक अभिक्रिया का, तो योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे, दूसरा वियोजन अभिक्रिया वो पढ़ेंगे, इस तरीके से हम अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।